బిజినెస్ అనేది ఆడపిల్లలు ఆడుకునే ఆట కాదు. బిజినెస్ ఇస్ ఎ వార్. ఐ యామ్ బోర్న్ టు డూ బిజినెస్. ఈ ప్రాసెస్ లో మీ దాకా వస్తాను లేదా మిమ్మల్ని దాటిస్తాను ఇది నిర్ణయిస్తుంది. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। तो दोस्तों, कीर्ति सुरेश की ड्रामा रोमांटिक मूवी मिस इंडिया 4 नवंबर से पॉपुलर ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म Netflix पे रिलीज की जाएगी। जबकि सिनेमा हॉल जरूर खोले हैं लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी ऑडियंस नहीं है। हालात ठीक होने में और भी बहुत ज्यादा टाइम लगेंगे, वरना ये मूवी यानी दोस्तों मिस इंडिया मूवी थिएटरों पर रिलीज होते, जबकि दोस्तों इस मूवी की शूटिंग बहुत दिन पहले ही कम्प्लीट हो चुके थे। मिस इंडिया अगर बात की जाए इस मूवी के बारे में, तो दोस्तों कीर्ति सुरेश एज ए मिडिल क्लास लड़की किस तरह से स्ट्रगल करके मिस इंडिया बनते हैं या दोस्तों बिजनेस वुमेन बनते हैं, उसी के आधार पे या दोस्तों उसी की कहानी इस फिल्म में दर्शाई गए है। तो काफी इंस्पिरेशनल मूवी होंगे जो कि दोस्तों आपके जज्बे को और भी बुलंद कर सकते है। वही नेटफ्लिक्स काफी फेमस पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है नेटफ्लिक्स के पास। तो दोस्तों अगर नेटफ्लिक्स पे मिस इंडिया जैसी मूवी रिलीज होगी वो भी दोस्तों दो भाषाओं के साथ, तो दोस्तों इस मूवी को हिट होना तो पक्का है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा दोस्तों मिस इंडिया मूवी नेटफ्लिक्स पे दो भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा, तेलुगु और तमिल। यानी दोस्तों फिल्म ओरिजिनली तो तेलुगु भाषाओं के साथ ही बने हैं या दोस्तों शूट किया गया है, लेकिन दोस्तों इस मूवी को साथ ही साथ दोस्तों तमिल वर्जन पे भी रिलीज किया जाएगा। इस मूवी की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो दोस्तों मिस इंडिया मूवी को डायरेक्शन दिया है नरेंद्र नाथ जी ने। वही दोस्तों इस मूवी को प्रोड्यूस किया है महेश एस कनेरो ने और म्यूजिक दिया है एस थमन ने। स्टार कास्ट पे बात दोहराई जाए तो दोस्तों इस मूवी में बहुत सारे कलाकार देखने को मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों कीर्ति सुरेश, साथ ही साथ दोस्तों जगपति बाबू, नवीन चंद्रा, राजेंद्र प्रसाद, नरेश, बानुश्री मेहरा, पूजिता पंदोला, कमल कमाराजू और नदिया जी को इस मूवी के स्टार कास्ट में देखने को मिलेंगे। और जैसे कि दोस्तों पहले भी बताया था, मूवी 4 नवंबर से ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे प्रीमियर किया जाएगा, यानी दोस्तों और 3 दिन बाद इस मूवी को रिलीज की जाएगी। ऑनलाइन पे देख सकते हो घर बैठे। लगभग 20 करोड़ बजट से बनाए गए है मिस इंडिया मूवी, जबकि इस मूवी का बजट है 20 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में हिट होने के लिए 30 करोड़ के ऊपर बिजनेस करने होंगे। अब देखना ये होगा दोस्तों 4 नवंबर से जब ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे ये मूवी रिलीज की जाएगी, तो दोस्तों कलेक्शन के मामले में कितना कमाल कर पाए। जबकि दोस्तों ये मूवी ऑनलाइन रिलीज होते हुए भी डे बाय डे व्यूज के मामले में कितना कलेक्शन कर पाता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हम आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों उन्हीं के लिए इस चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अपडेट में। टेक केयर, बाय।